नमस्कार आपको और मुझे कई बार अपने देश से जब भी बाहर जाना होता है पासपोर्ट की आवश्यकता होती है इस पासपोर्ट को भारत सरकार का विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट कार्यालय जारी करता है अपने बिहार में भी इसके कार्यालय हैं ऐसे तो आजकल पासपोर्ट प्राप्त करना आसान हो गया है क्योंकि यह आजकल ऑनलाइन ही बन रहा है फिर भी कई बार लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है मसलन कुछ तकनीकी कारणों से या कुछ पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान तो आज हम इसी मसलों पे बात करेंगे कि पासपोर्ट संबंधी क्या समस्याएं हैं और उसका क्या निदान है आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ताबीसी बहल पांडे मैम आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि ऑनलाइन जब से हुआ है उसकी अपेक्षा ऑनलाइन जब से ये प्रक्रिया हो गया तो कितना आसान हो गया है पासपोर्ट प्राप्त करना किसी भी लोगों के लिए 2011 से आ, हमारा पासपोर्ट जो है ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है डिजिटाइज इसमें आवेदक जो है ऑनलाइन ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म करता है बट जो ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे ऑफिस का जो सारे सिस्टम है वो भी ऑनलाइन हो गए हैं इस वजह से जो भी आ, आ, प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गया है हमारे ऑफिस के काम करने के लिए भी तो इस वजह से एप्लीकेशन जो आती है जब आ, आवेदक आता है हमारे कार्यालय में और अगर उसके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो उसके हाथ के हाथ ही उसको एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है ऑनलाइन होने की वजह मैम जैसा आप एक बहुत अच्छी बात बता रही थी कि अगर उनका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो उनको हाथ वहा हाथ आप उपलब्ध करवा देती हैं पासपोर्ट तो एक बात यहाँ पर जानने वाली ये है कि अभी उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेती हैं उनको जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तीन चीज़ें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं एक उनका होता है डेट ऑफ बर्थ एक होता है उनका एड्रेस प्रूफ और दूसरा होता है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्योंकि हमारे जो पासपोर्ट हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक एमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एक एमीग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड जो ई पासपोर्ट हम लोग उन लोगों को लेते हैं देते हैं जो टेंथ से कम पढ़े लिखे हैं और ई पासपोर्ट उनको मिलता है जो दसवीं से ऊपर पढ़े हुए हैं बेसिकली इनका यूज ये होता है कि जब कोई बाहर विदेश में नौकरी करने जाता है और अगर उनके पास ई पासपोर्ट है तो उनको पी uh, ओई कार्य जो उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय है उससे इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना पड़ता है तो ये तीन चीज़ें हमें बेसिकली चाहिए होती हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है माइनर का केस होता है तो उनकी आ, उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बट मूल प्रकार से ये तीन डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं है। मैम अभी अब पूरे भारत से भी कहें और बिहार से भी कहें तो बहुत सारे लोग जो हैं खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करने को लेके जाते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ बिहार के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनसे ज़्यादा आपको ये आवेदन प्राप्त होते हैं और उन लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें कि चूँकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको किस तरह से आवेदन करना चाहिए ये जानकर मैं यहाँ पर आरपीओ के अलावा उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय भी हेड करती हूँ तो जब मैंने ये ऑफिस जॉइन करा तब मुझे ये बात पता चली कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार से ही सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं विदेश में नौकरी करने के लिए केरल और जो हमें लगता है कि केरल से जाते होंगे या साउथ इंडिया से जाते होंगे ऐसा नहीं है यूपी से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ बिहार से जाते हैं इसी वजह से जो हमारे पासपोर्ट के आवेदक भी हैं वो सिवान और गोपालगंज ज़िलों से सबसे ज़्यादा हैं इनके लिए जैसा कि अभी मैंने बताया कि दो कैटेगरी ऑफ पासपोर्ट होते हैं ई सी आर और ई सी एन आर तो सिवान और गोपालगंज के जितने भी आवेदक हैं आ, जो कम पढ़े लिखे हैं वो ई सी आर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मगर उनका जो एक मुझे एक विषय है जो मुझे चिंताजनक है कि ई सी आर पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो ई सी एन आर पासपोर्ट लेने के चक्कर में पासपोर्ट कार्यालय में फ़र्जी दस्तावेज़ जमा कर देते हैं जैसे उनका टेंथ का सर्टिफिकेट हो गया वो फ़र्ज़ी बना लिया एडमिट कार्ड बना लिया उसके चक्कर में मेरे ऑफिस में अगर वो पकड़े जाते हैं क्योंकि हम वेरियस जो जैसे बिहार बोर्ड है संस्कृत बोर्ड शिक्षा बोर्ड है या मदरसा बोर्ड है वहाँ पर हम लोग जाँच करने के लिए वो सर्टिफिकेट्स भेजते हैं तो अगर वो फ़र्जी पाया जाता है या नकली पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदक पे हम लोग कार्यवाही करते हैं और उन एजेंटों पे भी करते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं तो मेरी जो एक अपील है लोगों से स्पेशली जो सिवान और गोपालगंज के हैं कि अगर आपको ई पासपोर्ट भी मिल रहा है क्योंकि आप दसवीं में दसवीं पास आपने नहीं कर रखी तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एमीग्रेशन क्लियरेंस लेना भी इतना मुश्किल काम नहीं है तो जो भी आपके आ, सही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसी के हिसाब से आप अपना पासपोर्ट लीजिए मैम कई बार ऐसा देखा गया है सामान्यतः हो सकता है कि आपका कार्यालय बहुत सहयोगी हो इस मामले में कि पासपोर्ट देने के मामले में लेकिन जब वो पासपोर्ट जारी होने से पहले जब पुलिस थाने में जाता है तो कई लोगों का ऐसा शिकायत होता है कि उन्हें या तो समय ज़्यादा ले रहे हैं बार बार उन्हें लौटाया जा रहा है या वहाँ पे थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं तो ऐसे में आपका जो कार्यालय है उन्हें वो किस तरह मदद कर सकता है ये जो है ये सबसे आ, हमारे फोर प्रायोरिटी में रहता है मेरे कार्यालय के क्योंकि बिहार पुलिस जो है हमें काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करती है पुलिस वेरिफिकेशन एक इम्पोटेंट अंग होता है पासपोर्ट इशू करने के लिए जिसमें आपकी नेशनैलिटी वेरिफिकेशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है जिसकी वजह से आपको पासपोर्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए आपका एड्रेस सही है जिस पते पर आपने दिया है तो पुलिस वेरीफिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग होता है मगर उसकी वजह से काफ़ी डिले भी होते हैं बट बिहार पुलिस हमारे कार्यालय के रिक्वेस्ट को काफ़ी तत्परता से डील करती है और हम लोग लगातार उन्हें लिखते हैं अगर पासपोर्ट के दौरान इशू करने के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है तो उसकी सूची हम बिहार पुलिस हेडकोर्टर्स को देखते हैं कंसर्नड एसपी को भी भेजते हैं कि इतना समय लग रहा है तो इसको जल्द से जल्द आप क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है तो जल्द से जल्द इसका टाइम कम करिए और जल्द से जल्द लोगों की पुलिस वेरीफिकेशन दीजिए इसके अलावा अगर किसी भी आवेदक को Uh, कोई भी परेशानी हो रही है या uh, पुलिस वेरिफिकेशन करने में तो आप कृपया करके हमें एक लिखित में एक एप्लीकेशन भेज दीजिए कि हमें इतना टाइम लग रहा है और ये चीज़ जल्दी होनी चाहिए तो पासपोर्ट कार्यालय डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेगा और पुलिस अथॉरिटीज़ को पॉइंट आउट करेगा कि इनको जल्द से जल्द इनका पुलिस वेरिफिकेशन करके हमारे पास भेजा जाए कई बार ये भी होता है कि आपका थाना गलत हो जाता है या थाना ये भेज देता है कि आवेदक को वहाँ होने की ज़रूरत है तो इस केस में भी अगर आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्शन लेटर आता है पासपोर्ट कार्यालय से तो आप एक सिंपली एक साइंड लेटर हमें ईमेल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं कहते हुए कि हमारा सही थाना ये है और अभी हमारे को पुनर्जांच के लिए दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाए आपको उसके लिए दोबारा पासपोर्ट कार्यालय या पी ओ पी एस के या किसी पी एस के में जाने की ज़रूरत नहीं है मैम पासपोर्ट बनाने का एक तरीका ये भी है कि वो जो आवेदक हैं वो पोस्ट ऑफिस में जाकर भी जो वहाँ आपके आ, काम करती है आपके लिए उनसे वो संपर्क कर सकते हैं तो कई लोगों को ऐसा है कि वहाँ उन्हें लगता है कि ज़्यादा देर हो रही है या वो आपके ऑफिस में सीधे करते हैं तो उन्हें लगता है कि जल्दी मिल गया है तो इसको थोड़ा आप किस तरह से हमारे जो दर्शक हैं उनको समझा पाएंगे कि दोनों एक ही चीज़ है तो पहले क्या होता था कि एक ही पासपोर्ट कार्यालय होता था जो राजधानी में स्थित होता था जैसे पटना में मगर हमारे काफ़ी सारे ऐसे ज़िले हैं जैसे कटिहार हो गया अररिया हो गया जो बहुत दूर हमारे पटना से लोकेटेड हैं तो वहाँ के एप्लीकेंट्स को यहाँ आना पड़ता था सिर्फ पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए तो इसके चलते हुए विदेश मंत्रालय ने एक कंसेप्ट शुरू करा पी ओ पी एस के का कि पोस्ट ऑफिस के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल लेंगे इन इन पी ओ पी एस के में क्या होता है कि आवेदक जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट कर देते हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पासपोर्ट ऑफिस पटना में आते हैं और यहीं प्रोसेस होते हैं तो इससे क्या होता है कि एप्लीकेंट को सिर्फ उन्हीं केसेस में पटना आने की आवश्यकता होती है जिसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ आपने सही नहीं सबमिट करे और अगर जैसे दिन के सौ लोग सबमिट करते हैं तो उनमें से ऐसे पांच ही केसेस होते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है बाकी के जो नाइन्टी फाइव केसेज हैं वो हम लोग जल्दी से प्रोसेस कर पाते हैं तो पी में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है बट क्योंकि वो वहाँ पे आप एप्लीकेशन जमा करते हैं और वो एप्लीकेशन फिर हमारे पास पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आती है और फिर प्रोसेस होती है बट इससे आवेदक का जो ट्रैवल टाइम है कि उनको यहाँ पटना आना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा वो बच जाता है आपका हर कार्यालय का ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट के कार्यालय है उसका ये भी उद्देश्य होता है कि अपने जो उनके जो नागरिक हैं उनको किसी भी तरीके से फर्जीवाड़े से बचाया जाए ऐसे में आपका कार्यालय की जो आवेदक है वो किसी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ जाए या कुछ जो गलत एजेंट हैं उनके चक्कर में ना पड़ जाए उनसे वो किस तरह बच सकते हैं ये आपने बहुत ही अच्छा वो करा कि पासपोर्ट बनाना स्पेशली बिहार में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये जो है आपको अनेबल करता है कि बाहर देशों में जाके आप नौकरी कर सकें तो लोग पासपोर्ट बनाने की चाह में बहुत ज़्यादा एजेंटों और फर्जी वेबसाइट और फर्जी वाडे के चक्कर में बहुत फंसते हैं तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है कि जो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है उसी में आप ऑनलाइन आवेदन दें वो है पासपोर्ट इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन इसके अलावा अगर कुछ भी वेबसाइट है तो वो फेक है और गलत है और ऐसी जो गलत वेबसाइट्स हैं वो यूजुअली क्या करती हैं कि हमारे जो नॉर्मल पासपोर्ट का फ़ी है वो पंद्रह सौ रुपये है ये जो वेबसाइट हैं जो फर्जी हैं वो आपसे कभी ढाई हज़ार मांगेंगी कभी तीन हज़ार मांगेंगी तो जैसे ही आपसे कोई भी साइट पंद्रह सौ से अधिक पैसे लेने की कोशिश करे या आपको उससे ज़्यादा दो हज़ार तीन हज़ार लेने की कोशिश करें तो आप समझ जाइए कि ये प, आ, साइट गलत है और पासपोर्ट इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन पर ही जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन करें और दूसरी बात ये है कि एजेंटों के आ, माध्यम से जितना कम कोशिश करें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना उतना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि एजेंट क्या करता है वो अपने हिसाब से आपकी कोई भी डिटेल भर देता है कभी आपका डेट ऑफ बर्थ तिथि गलत भर देगा कभी आपके माता जी का नाम गलत भर देगा कभी आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट होता है बट वो फ्रेश कैटेगरी में अप्लाई कर देता है तो इसकी वजह से आपको बहुत समस्या आएगी आ, अभी ऑनलाइन होने के बाद ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है तो कोशिश करिए कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही भरिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको सारे कॉलम्स आते हैं उसमें सिर्फ आपका माता जी का नाम पिताजी का नाम आप कहाँ रहते हैं आपकी जन्म तिथि क्या है आप कहाँ पैदा हुए थे ऐसे बेसिक बेसिक सवाल ही हैं तो इस वजह से एजेंटों के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा मैम खासतौर पर ऐसा देखा गया कि ग्रामीण इलाके में लोग ठगी के ज़्यादा शिकार होते हैं खासतौर पर जो अशिक्षित होते हैं और उन्हें बाहर काम करने के लिए जाना होता है तो पासपोर्ट बनाने के चक्कर में बहुत पैसे कोई लोग उनसे ऐड लेते हैं तो इन लोग ये लोग कैसे बच सकते हैं देखिए ये जो एजेंट हैं जो बाहर आपको नौकरी दिलाने का वादा करते हैं ये पूरा आपको पैकेज देते हैं जिसमें आपका वो पासपोर्ट बनवाएंगे साथ में आपकी शायद दसवीं की जो डिग्री है वो फेक लगवाएंगे ताकि आपको ई पासपोर्ट मिल जाए फिर उसके बाद आपको बाहर जो विदेश में नौकरी करने के भेजेंगे जो मेरा जो कार्यालय है उत्प्रवासी संरक्षी वाला उसमें मैंने काफ़ी बार देखा है कि आपको विजिट वीज़ा पे भेज देंगे राधर देन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिस पर आपको सही तरीके से जाना चाहिए विज़िट मतलब टूरिज्म वीज़ा जो सिर्फ नब्बे दिन का होता है और फिर वहाँ जाके वो आपको कहते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो ये जो पूरा पैकेज ये वाला जो देते हैं एजेंट लोग ये इनसे आप बिल्कुल सावधान रहिए और स्पेशली uh, अगर आप बाहर नौकरी करने जा रहे हैं तो विदेश मंत्रालय के पंजीकृत एजेंट के थ्रू ही जाइए विदेश मंत्रालय में इमिग्रेशन एक्ट है 1983 जिसके तहत सारे जो एजेंट हैं जो आपको बाहर नौकरी दिलाते हैं वो विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं तो ये जो जितने भी छोटे मोटे एजेंट हैं आपके गाँव में ये ये सब अवैध और इलीगल काम कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अभी जो हैं लगभग 20 के आसपास ही ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट हैं उनकी सूची आपको ई माइग्रेट डॉट जी ओ वी डॉट इन एक हमारी साइट है या जो उत्प्रवासी संरक्षी ऑफिस है कार्यालय उनसे संपर्क करके आपको वो एजेंटों की सूची मिल सकती है जो आपको विदेश में सही प्रकार से नौकरी दिला सकते हैं है। मैम अभी थोड़ी देर पहले आप जैसे हम मान ही लें कि कोई लोग वहाँ पे फंस जाते हैं अपने विदेशों में तो वो किस तरह से आपकी मदद से उन परेशानियों से बच सकते हैं और दूसरा सवाल मैं ये कर रहा था कि आप बता रही थी कि उत्प्रवासी कि आप यहाँ के हेड हैं तो वो किस तरह से कार्य करता है और उसका उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ तो जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि यहाँ पर पटना में नियोजन भवन में अभी हाल ही में 2019 के अंत में उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय भी खुला है इस कार्यालय के दो तीन मेजर काम हैं एक तो ये है कि जितने भी अवैध रिक्रूटिंग एजेंट हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करना दूसरा अगर आप किसी ने आपके ठगी करी है बाहर नौकरी दिलाने के वादे को लेकर आपसे पैसे लिए हैं उसने आपको बाहर नहीं भेजा बाहर जा के आपके कोई प्रियजन है उनको फंसा दिया है या मन चाही नौकरी नहीं दी तब भी आप इस कार्यालय में कंप्लेंट कर सकते हैं और तीसरी चीज़ जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर कोई बाहर फंसा हुआ है उसके पास पासपोर्ट नहीं है वहाँ पर अमानवीय स्थिति में वो काम कर रहा है और या अगर उसको तनखा नहीं दे रहे या अपना मन चाहिए नौकरी नहीं है और उसे वापस आना है और उसे वापस नहीं आने दिया जा रहा तब भी वो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं हमारा एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे चल रहा है आप उस नंबर पर अपना लिख लिखित में कंप्लेंट देके साइन करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए सारे दस्तावेज़ों के साथ कि जैसे अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो कितना ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा है आपने उसको विदेश में नौकरी दिलाने के लिए वो सारी रिसीट भेज दीजिए हम पक्का उस अवैध एजेंट के अगेंस्ट कार्रवाई ज़रूर करेंगे मैम जो भारत से बाहर जो एन रहते हैं उनके पासपोर्ट में किसी तरह का दिक्कत हो जाए मान लीजिए उनका एड्रेस चेंज कराना है या किसी प्रकार का उन्हें रिन्यूअल के लिए है तो वो किस तरह से आ, सहयोग ले सकते हैं आपके संस्था का देखिए पासपोर्ट रिलेटेड अगर आप आ, विदेश में रह रहे हैं आपको पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है कई बार लोग घूमने के लिए जाते हैं उनका पासपोर्ट गुम हो जाता है कई बार आपको आ, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है वो पुलिस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगती है या कोई भी जो भारत से रिलेटेड कोई भी काम आपको पड़ता है तो हम हमारा जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो है आपका दूतावास आप भारतीय दूतावास में आप संपर्क कर सकते हैं वहाँ पर सारी पासपोर्ट से रिलेटेड सुविधाएं आपको दी जाती हैं अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो वहाँ पर आपको फ़्रेश पासपोर्ट भी इशू हो जाएगा अगर आपको कुछ चेंज करवाना है सपोजिंग आपने वहाँ पर शादी कर ली और अपना स्पाउस का नाम ऐड करवाना है तो वो सर्विस भी आपको मिल जाएगी तो बेसिकली जो काम यहाँ पर आर कार्यालय करता है वहाँ पर आपकी एम्बेसी भी कर लेती है और जितने भी हमारे श्रमिक लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं हमें हमारे कार्यालय में तो आप संपर्क कर ही सकते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं मगर अगर आपको बाहर देश में स्पेशली खाड़ी के देशों में अगर कोई भी समस्या है आपका एम्प्लॉयर आपको परेशान कर रहा है और आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया है तो आप बेझिझक होकर आप एम्बेसी में जा सकते हैं चाहे आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट है या नहीं है क्योंकि कई बार देखा गया है कि श्रमिक लोगों के पास अगर पासपोर्ट नहीं होता तो अब भी वो झिझकते हैं एम्बेसी के पास जाने में और ये मानसिकता होती है कि एम्बेसी जो है पकड़ के पुलिस में दे देगी हमें भारतीय दूतावास आपको पुलिस में नहीं देगा वो जो भी सहायता आपकी बन पाएगी वो उस टाइम करेगा तो आपका विदेश में जो आपका दोस्त होता है वो भारतीय दूतावास ही होता है और स्पेशली अगर आप कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जा रहे हैं चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं चाहे आप वहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं कैसे किसी भी प्रकार की नौकरी चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल में नौकरी करने जा रहे हैं या एक लेबर की नौकरी करने जा रहे हैं सबसे पहले विदेश में पहुँच के अपना पंजीकरण विदेश मन्... वो भारतीय दूतावास के साथ ज़रूर करवाइएगा कभी इस बात की भी आवश्यकता हो जाती है कि हमें या किसी और को भी कि आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है और साथ में एक सवाल ये भी है मेरा कि अगर बच्चा है छोटा बच्चा है पाँच साल का है सात साल का हो सकता है उसको अगर पासपोर्ट की ज़रूरत है चूँकि वो माता पिता के साथ ही जाएगा कहीं भी तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है देखिए अगर आपको पासपोर्ट जल्द चाहिए होता है तो आ, हमारे विदेश मंत्रालय का एक नियम है जिसके अंडर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं तत्काल कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको बताया पासपोर्ट इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन में डॉक्यूमेंट्स uh, लिखे हुए हैं कि तत्काल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वही लेकर जाते हैं जो नॉर्मल कैटेगरी में होते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें तत्काल में नहीं मिला क्योंकि हम तत्काल का पासपोर्ट आपको बिना पुलिस वेरीफिकेशन के भेज देते हैं या बाद में पुलिस वेरीफिकेशन करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है एक एप्लीकेशन को तत्काल में सबमिट करने के लिए तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप तत्काल की कैटेगरी को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो तत्काल में आपकी एप्लीकेशन ज़रूर ली जाएगी और दूसरा जो बच्चों की एप्लीकेशन है चाहे एक दिन का बच्चा हो या दो दिन का बच्चा हो पासपोर्ट आपका आ, बहुत ही आसानी से बन जाता है उसके भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो सारी जो डिटेल्स हैं वो पासपोर्ट में लिखी हुई हैं कुछ लोग एक बात इम्पॉटेंट है कि अगर आप बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे दो पास आ, दो नियम होते हैं कि अनेक्शर डी जिसमें फादर और मदर दोनों के सिग्नेचर होते हैं और एक होता है अनेक्शन सी जिसमें एक ही पेरेंट का सिग्नेचर होता है क्योंकि दूसरा पेरेंट कभी ट्रैवल कर रहा है या कोई और इशू है तो अगर आपक्शर सी दे रहे हैं तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी ही होगी तो ये बात भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि कुछ एप्लीकेंट्स हमसे पूछते हैं कि बच्चों का तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है या बाद में होता है तो हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्हीं केसेस में पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होगा जिसमें दोनों पेरेंट्स का कंसेंट आ, मिला होता है मैम हमने बहुत तरह की चर्चा की है अभी तक लेकिन आ, उसके बगैर थोड़ा अधूरा लगेगा कि सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं चूंकि वो ज़्यादा ट्रैवल करना या कहीं ऑफिस में आना जाना उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक नहीं होता है तो ऐसे में अगर सीनियर सिटीजन पासपोर्ट चाह रहे हैं किस तरह से आसानी से वो पासपोर्ट हाँ। पा सकते हैं देखिए पासपोर्ट के लिए आ, हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेंट को क्यों आना पड़ता है आ, पी एस के या पासपोर्ट पी ओ पी एस के क्योंकि हमें एप्लीकेंट के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं तो सीनियर सिटीजनस को भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आना पड़ता है और अपने फिंगरप्रिंट्स देने के लिए बट उनकी सहूलियत हो तो उनके लिए हमारे जो काउंटर हैं जो उन्हें टोकन मिलते हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि उनका काम जल्दी जल्दी हो सके और साथ में एक सीनियर सिटीज़न को अलाउड होता है कि अपने साथ एक हेल्पर या तो बच्चा हो या अगर कोई भी फैमिली मेम्बर हो वो साथ में ला सकते हैं उन्हें ताकि वो उनकी मदद कर सकें और हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि उनका काम आगे निकल जाए मैम हम कार्यक्रम के आखिर में पहुंच गए हैं तो मैं जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को पासपोर्ट से रिलेटेड या जो आप जिस डिपार्टमेंट की आप हेड करती हैं क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें आ, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संदेश मैं ये देना चाहती हूँ कि पासपोर्ट कार्यालय में फ़र्जी डॉक्यूमेंट्स आप लोग नहीं सबमिट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी ये कार्यवाही तो ये सहयोग मुझे लोगों से चाहिए क्योंकि जो लोग जेनुन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उन एक दो प्रतिशत लोग जो यहाँ पर सोचते हैं कि फ़र्जी डॉक्यूमेंट से हमें पासपोर्ट शायद मिल जाएगा उनके चक्कर में जो बाकी के सारे लोग हैं जो जेनुन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनका काम भी धीरे हो जाता है क्योंकि हमें बार बार एक ही चीज़ की जाँच करवानी पड़ती है तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप सही डॉक्यूमेंट देंगे तो नियम अनुसार वो इतना आसान हो गया है कि सिर्फ एक ओरिजिनल आधार कार्ड पे ही आपको पासपोर्ट मिल सकता है तो फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट और गलत डॉक्यूमेंट गलत डेट के साथ ये भेजने की आ, और सबमिट करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है दूसरा एजेंटों के माध्यम से नहीं आप खुद कोशिश करिए अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और अगर आपको किसी ऐसे एजेंट की या कोई भी गलत काम होते हुए चाहे पी ओ पी एस के में पी एस के में या कोई एजेंट आपको क्लेम करता है कि कुछ गलत काम हो रहा है तो वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमें बता सकते हैं जिसकी जानकारी हमारे कॉन्टैक्ट की सारी जानकारी आपको नीचे दी जा रही है थैंक यू मैम आज आपने कार्यक्रम के लिए अपना बहुत ही कीमती समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैं उम्मीद करता हूँ कि पासपोर्ट से जुड़े बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में चलते रहते होंगे या इसकी जानकारी आप किसी दूसरे व्यक्ति से लेते होंगे वो सारी जानकारी आज आपको मिल गई होगी तो इसी तरह के अन्य कार्यक्रम के साथ मैं गांव घर के कार्यक्रम में फिर उपस्थित हूँगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार